चल गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अश्विना व्लॉग्स। एंड आज व्लॉग में हम फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और आज हमारे वहाँ बिखू, ऐसे तो इसे बैसागी कहते हैं लेकिन हमारे वहाँ को इसे बिखू कहते हैं पहाड़ों के साइड में। अगर आप कहीं उत्तराखंड साइड से बिलोंग करते हो तो इस त्यौहार का जरूर जानते होंगे। सो अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मम्मी ने देख सकते हो पूरी उड़िया सब चीज बना ली है और अभी भी मम्मी यहाँ पे रोटी बनाने में लगी हुई है। मम्मी क्या क्या बनाया हुआ है? आलू के गुटके की पूरी, चावल की पूरी। बिल्कुल मस्त साली धूप आ चुकी है और यहाँ पे गाय गाय बात रखी हमने। और ये नितिन को देखो यहाँ पे बकरी की झांकी। चावल की पूरी है और मल्ली पूरी होती है हमारी खीर आलू के गुटके। अब हमें स्टार के आज वो कुछ बताओ। साग में नई खेती बाड़ी मसूर गेहूं गेहूं होते हैं, इसलिए बैसाखी को धूम धड़ाके से मनाते हैं। खाने पर लाज में आपको दिखाता हूँ क्या है खाने में, क्या क्या है बनाया। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया था बट अभी पूरी थाली दिखा दो अपनी। देख सकते हो ये रही मेरी थाली, यहाँ पे मेरी पूरी आ जाती है। ये रही चावल की पूरी और ये नॉर्मल वाली पूरी होती है जो आलू के गुटके, खीर और क्या कहते हैं गोभी की सब्जी और दही से। देख सकते हो मस्त तरीके से मेरी थाली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। सो अभी जो है मैं अपने यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंजॉय करने वाला हूँ एंड आप हमारे ब्लॉग को इंजॉय कीजिए। वॉशिंग मशीन में जो है ना पानी अटक रहा था उसमें, सो उससे निकालने दिखाता हूँ क्या हुआ है। इस पर जो है यहाँ पर कुछ सारे कचड़ा जमा हो चुका है, सो उससे निकालना है अभी। वहाँ पर से देखो कितना निकला है वहाँ पर। वो मशीन का हमने पहले दिखाता हूँ क्या निकाला हुआ है हमने, जो यहाँ पर से घूमने वाला होता है उससे निकाला। सो देखो यहाँ पे कितना कूड़ा हो रखा है और यहाँ पे देखो जहाँ पर से पानी जाता है वहाँ पे भी इतना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना जितनी भी गंदगी होती है ना कपड़ों की पर अटक जाती है। और जो निकाले ये देखो इस पर कितना लगा हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको पहले एक बार। ये देखो गाइस कितनी मोटी हो रही है ना ये। साफ करते हैं जो चीज़ मैंने ली हुई थी, दिखाता हूँ आपको। सो देख सकते हो पहले से तो मतलब मैंने अच्छा ही कर दिया है, पूरा अच्छा तरीके से नहीं किया हुआ है। सो अभी से लगाते हैं इस पर, सभी लगाते हैं इसे जल्दी से। और अब जो है इसका नेट कसना होगा हमें। इतना ज़्यादा निकला है एंड ये बाल बाल भी जो थे ना वॉशिंग मशीन के अंदर थे। अब पानी नहीं आ रहा था अभी बाहर, ब्लॉकेज हो गया था ना गाइस इतने। मेरा भाई अभी थोड़ी बहुत जो उसको पानी गिरा था अंदर से निकाल लिया है कपड़े की मदद से। सो देख सकते हो हमने सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा कूड़ा निकल जाएगा उसके अंदर से। बाहर से तो साफ दिख रही थी, अंदर खोलना नहीं इतना ज्यादा था। और ब्लॉकेज भी ना, क्योंकि जो ये बाल वाल होते हैं ना वो भी गिरे हुए थे एंड पेंसिल भी गिरी हुई थी। यार ये तो मुझे पता ही नहीं रहा, लग रहा है कि पेंसिल उसके अंदर घुसी तो कैसे घुसी, रेस्ट करते बिल्कुल मस्त वाला। और अभी जो है यहाँ पे 12:30 बज चुके हैं, लंच का भी टाइम हो चुका है। और दिखा दो आपको आज हमने लंच में क्या बनाया हुआ है। तो लंच पे आज हमने बनाया हुआ है पुलाव, से देख सकते हो। और अभी यहाँ पे हमारी खीरा काटा जा रहा है। देखो यहाँ पे मम्मी भी सोई है यहाँ पे और ये भी सोई है, ये भी सोया है। अभी मैं आज को नीचे, क्योंकि अभी हमें जो है यहाँ पे किचन भी साफ करना है और बर्तन भी धोने हैं। मम्मी लोग तो सो चुके हैं, बर्तन भी धो लिए थे, किचन भी साफ कर लिया था मैंने, बर्तन खोले और ताजे। इसने किचन साफ करा, इसे यहाँ पे देखो ये सो चुका है और गर्मी बहुत हो रही है इस वजह से हमने पंखा भी ऑन कर लिया। और इसने ऐसा पूरा ऐसा कर दिया, देखो बेड पर कपड़े कपड़े रख दिए हैं क्योंकि गर्म कपड़े अभी अलग से रखे जा रहे हैं। कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी हो रही है, बिल्कुल नहीं गर्मी, बिल्कुल नहीं है गर्मी वाला। अम्मा को तो गर्मी है गन्ने का जूस। तो आप भी सोचेंगे यार गन्ने का जूस कैसे बनाने वाले हैं। सो हमने यूट्यूब पे एक शॉर्ट दिखा था, सो उसको ही देखते हुए हम बनाने वाले हैं अभी गन्ने का जूस। सब ने यहाँ पे गन्ने को छिला आ रहे हैं मस्त तरीके से। पहले जो इसके बाहर के कवर होते हैं पत्ते तो हमने निकाल के वो वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पर इतने छिल दिए हैं। और पल से टॉफी लाए हैं 10 टॉफी मेड आने के लिए और 2 नींबू, तो इतने छिलना है अभी। सो मेरा भाई यहाँ पे छिल रहा है अभी जल्दी जल्दी, देखो ये ना पुदीना भी चाहिए इसके लिए। सो यहाँ पे तो पुदीना हमारे ये पर देख सकते हो मस्त तरीके से हो जाएगा। अभी इसे जल्दी जल्दी तोड़ते हैं, पूरा दिखाने वाले हैं कि कैसे बनाएंगे एंड अच्छा होगा तो आप भी इसे अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। अभी जो है पहले हमने टेस्टिंग के लिए बनाया यहाँ पे, सो थोड़ी सी निकाल के हमने इस पे डाला। सो ये देख सकते हो सही और था टेस्ट। बाहर पे दिखा देता हूँ क्या क्या है इस पे जो हमारा यूज पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने पल्स वाली टॉफी ली है, नींबू लिए हैं और पुदीना।
इकट्ठे करने के बाद हमने इसे जग पर डाल दिया है और फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे इसका जो ऐसे करके निकाल ले हम छन्नी हमारे पास छोटी वाली है ना जो चाय वाली होती है सूजी से उसको अभी ऐसे करके फिर ये जा रहे हैं हमारे यहाँ पे जग पे ट्रांसफर हो जा रहा है। तो देख सकते हो इतना हो चुका है। पल्स को करने वाले हैं ग्राइंड। ये देखो यहाँ पे हमने पल्स यहाँ पे इस पर डालने हैं छोटे वाले पे फिर उसको करेंगे हम ग्राइंड क्योंकि हमारे पास काले नमक नहीं है ना। पूरा अच्छे तरीके से बन चुका है दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने सब चीज इस पे ऐड कर लिया है और अभी ये आइस बची हुई है तो सब यहाँ पे हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से। सो देख सकते हो इन तीनों पे हमने आइस डाले हुआ बट इसको नहीं डाले हुआ है क्योंकि मतलब वो कले है वो तो ठंडा वाला नहीं पियेंगे। बहुत दी बेस्ट हो रहा है। जूस पी के देखता हूँ एंड देखता हूँ कैसा टेस्ट होने वाला है इसका। और मेहनत इस पे इतनी ज्यादा लगी, एक दो घंटे लगे हैं लास्ट में मिल रहा है पीने के लिए और निकला भी ज्यादा नहीं बट बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है। कैसा हो रहा? बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहा है सेम गन्ने के जूस की तरह हो रहा भाई। नानी आई है सब देखो नमस्ते नमस्ते सब नानी आ चुके हैं। नानी तो ऊपर से आ गया वो पता है नानी आई है आप देखो नानी को सरप्राइज दे दिया है नानी ने हमको। मम्मी भी घर आ चुके हैं और मम्मी को तो हमने बता देते थे नानी आई है। मम्मी कैसा लग रहा नानी आ गई? अच्छा लग रहा और हमें पता ही नहीं था नानी आ गई। मम्मी को भी पता है किसको पता है घर पे कि नानी आ रही। मम्मी बहुत खुश है अभी। हाँ तो ब्लॉग्स में कंटेंट ही नहीं मिलते हैं बट आज एक साथ तीन चार कंटेंट मिल चुका है हमें। मम्मी जाएगी नानी से मिलने के लिए। बॉडी इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि नानी से सुबह से कुछ नहीं खाया है ना मम्मी तो इस वजह से अभी बनाएंगे हम पकौड़ी नानी के लिए। और जो हमारा कैंपिंग वाला चूल्हा है अभी इस पे जला दिया मम्मी ने। आज डिनर का भी टाइम हो चुका है और दिखा दो आपको डिनर में क्या है। डिनर में हमारी पनीर है और नाई तो पनीर भी नहीं खाती। यहाँ पे अभी नानी के लिए हरी सब्जी बनाई थी तो नानी हरी सब्जी खा रही है। यहाँ पे नानी कैसा लग रहा है आके बहुत है बल लगना नानी कैसा लग रहा नानी आई है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत टाइम से आ रही है मेरी मम्मी। और आज का व्लॉग फिर एंड करता है। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस हम मिलते हैं आपके नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।